एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सोनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हो रहा है दोपहर का 12 बज रहा है और मैं चल रही हूँ खाना बनाने। पहले खाना बनाने की जल्दीबाजी रहती थी क्योंकि मेरे भांजे भांजी स्कूल जाते थे, तो अब उन लोग 10th पास कर लिए हैं तो अब नहीं आते हैं, तो आराम से 12 बजे बनाती हूँ। 1-1.5 बजे सब खाते हैं तो 1 घंटा खाना बनाने के लिए बहुत होता है मेरे लिए, तो मैं 12 बजे बनाती हूँ गरम गरम, 1 बजे तक सुबह खा हो लेते हैं। और आज है संडे और संडे कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है चलिए बता देती हूँ। तो आज मेरा जब बाबू हुआ था ना, तो यहाँ पर मिठाई वगैरह नहीं बटाया था क्योंकि मैं आई, आने के बाद में 10-15-20 दिन बाद मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई और ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मिठाई नहीं बटा पाया था। तो फिर उसके बाद तुरंत एक्सपायर होने के बाद सब काम वाम हुआ, उसके बाद तुरंत मिठाई बांटना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी आज ही को एक्सपायर हुए, 2 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मेरे आज मेरे हस्बैंड मिठाई लाए और सबको बटा रहा है मिठाई। तो गाना वाना नहीं तो कम से कम मिठाई तो बटा जाए सबको, सब आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मिठाई और क्या कैसे सब हो रहा है। मम्मी और मेरी बेटी मिलकर लगा रहे हैं लोग, तो और मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग देख लीजिए। कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए, आपको टाइम नहीं मिलता इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, छोटी डालती हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए कि मिठाई कौन सा आया है और कैसे डब्बे में लगाया जा रहा है। तो चलिए मिलती हूँ बाद में आप लोग से, बाय। तो यहाँ पर मैं और मम्मी पेपर में लिख रहे हैं कि किसके घर भेजना है, किसके घर क्या करना है, किसके किसके घर से आता है, तो उस हिसाब से मिठाइयाँ भेजनी है। और देखिए मेरे हस्बैंड लेकर चले आए हैं और ये है मिठाइयाँ, मम्मी और मेरी बेटी पैक कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज मैंने क्या पहना है, आज मैंने पहना है घाघरा लहंगा पहना हुआ है अपना। ये लहंगा मेरा आप लोगों ने देखा होगा, मैं करवा चौथ में पहनी थी पिछली बार। और आज मैं थोड़ा मन किया रेडी होने का, इसलिए रेडी हो गई और मैंने शॉर्ट्स वगैरह बनाया है, जाकर देखिएगा आप लोग, अपलोड हो चुका है। और कहिए कैसे हैं आप लोग? आज है श्रावण सोमवार, इसके बाद एक सोमवार और है, फिर हो गया 2 महीने का श्रावण ख़त्म, 30 तारीख के बाद से ख़त्म हो जाएगा। पूरे 2 महीने का पड़ा था इस बार, तो अच्छा लगा पूरे 2 महीने करके। और आज सबका व्रत होगा, मेरा भी व्रत है। और कहिए कैसे हैं आप लोग? और कल पता है, कल मेरे बाबू का जब जन्म हुआ था ना, तो यहाँ पर बॉम्बे में बता रही थी आप लोग से कि कुछ हुआ नहीं था, मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर दादी सास एक्सपायर हो गई, दिन तो रखाया था कि गाना वाना सब बुक भी हो गया था, जहाँ हम लोग को फंक्शन करना था वो सब बुक भी हो गया था, कुछ रिलेटिव को हम लोग बोल भी दिए थे पर नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, तो कल ना मिठाई बटाया मेरे बाबू के होने का, सब जगह जितने लोगों को देना था सबको दिला गया, 1-2 जन और बाकी है तो मेरे हस्बैंड दे देंगे उन लोगों को। तो बटाया ना, बहुत अच्छा लगा। और भगवान माता रानी ऐसे सबकी झोली भरती रहे खुशियों से। और अब क्या बोलूँ मैं, कैमरे के सामने आओ ना तो ऐसा लगता है कुछ सब कुछ बातें बंद हो गई, ऐसे सोचो कि कितनी ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यही बोलूँगी, आजकल मैं बड़ी वीडियो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, तो आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चे के साथ कितना मैनेज करना रहता है, बहुत मैनेज करना रहता है, रात को जगाना, फिर सुबह जल्दी उठना, सारे काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर शॉर्ट डाल रही हूँ। और मेरे चैनल को ना जल्दी जल्दी प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी आप लोग आगे बढ़ाइए, बस मैं यही बोलना चाहूँगी।